अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे बेलगाम शहर को हादसों का शहर भी कहना गलत ना होगा। आज एक ऐसा हादसा पेश आया जिस इतना तो ज़रूर लगने लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है, जहां धर्म जात पात के नाम पर एक दूसरे से नफरत अदावत दुश्मनी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आज भी ऐसे कई लोग हैं जो महज इंसानियत की बिना पर इंसानों को बचाने की कोशिश करते रहते। लिहाजा बेलगाम सिटी के नज़दीक उत्तर प्रदेश का कोई मुसाफिर शराब के नशे में गटर में गिर गया। अब कहाँ गिरा ये तो वो शख्स भी बता नहीं पा रहा था, लेकिन दो दिन गटर में गिरने के बाद भी वो जिंदा था और उसे सीबीटी रिक्शा स्टैंड के ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी स्टैंड के लोगों ने और ख़ासकर मोहसिन रेवड़ीकर और बाबूलाल मुजावर ने पेशकदमी कर आखिरकार उस शख्स को बचाया। इस वक्त इस मंजर को देखने के लिए कसीर तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई। पुलिस इंतजामिया, खासकर मार्केट पुलिस थाने की टीम ने भी ताउन फरमाया। आइए देखते हैं वो तमाम मंजर जो दो दिन से गटर में फंसे उस शख्स को कैसे बचाया गया। इत्तेहाद न्यूज़ की जानिब से भी उन तमाम अपराधों का शुक्रिया और मुबारकबाद जिन्होंने इंसानियत का पैगाम देते हुए एक फर्द की जान बचाई। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। दो दिन से गिरा था, दो दिन से एक शराब पीकर फुल नशे के अंदर गटर के अंदर गिरा था। उसको निकालने के लिए कोई भी जगह नहीं था, कहाँ से आना, किधर से निकालना। फिर सब लोगों ने मिलकर यहाँ के पीएसआई के आरटीस वाले और इधर के जो टैक्सी स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड वाले सब जने मिलकर एक जीसीबी मंगाकर उसकी कैसे भी करके जान बचाई। और सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने भी काम किया और इस सबने जान बचाई, उनका शुक्रिया अदा। अल्लाह क्रिएट मोशन का बाबूलाल का और मातंड बंद गल ना बंदी मोशन बंद बाबूलाल बंद एल बंद मोबाइल डरना नहीं बा और निकालेगा, अभी आएगा दो मिनट, इधर से किधर मत जाना। अरे उसका क्या होता दिख रहे बैठ बाबा, तेरे को काटते काटते आराम बैठ, ये गंदगी हटा उधर से, प्लास्टिक काट, थोड़ा सांस ले। अच्छा ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಮಿಷನರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಗಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರು ಕಡೆ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ
ये पानी मारे पानी के बारे।